सो जुजुत्सु कैसन के सीजन 2 का एपिसोड 1 लगभग आ ही चुका है। आई मीन कल रात तक आ ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि एपिसोड 1 आए उससे पहले इस पर वीडियो बना लेना चाहिए, शायद व्यूज़ आ जाएँ। तो इस वीडियो में मैं तुम्हें सीजन 2 की थोड़ी सी जानकारी दूंगा, जो कि शायद तुम में से बहुत सो को तो ऑलरेडी पता भी होगी, और साथ ही में एपिसोड 1 की थोड़ी सी बातें करेंगे, तो एपिसोड 1 के स्पॉयलर्स भी होंगे इसमें। तो अब तक तो तुम्हें पता ही होगा कि भाई इस चैनल पर ज़्यादातर स्पॉयलर वीडियोज़ ही होते हैं, तो फ़र्क पड़ता हो तो भाई वीडियो छोड़ सकते हो, और स्पॉयलर से फ़र्क नहीं पड़ता तो वीडियो आगे कंटिन्यू रखो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सीजन 2 के एपिसोड्स की। तो टोटल इसमें 23 एपिसोड होने वाले हैं, जिसमें शुरुआत के जो 5 एपिसोड होने वाले हैं उसमें हमें गोजो का पास्ट दिखाया जाएगा, जिसमें हमें यंग मतलब टीन गोजो, गेतो, उराहिमे, मेईमे और साथ में जुजुत्सु कैसन के वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक तोजी फुशिगोरो भी दिखने वाला है, जिस बेचारे को स्क्रीन टाइम तो कम ही मिलेगा लेकिन उसके बावजूद भी भैया पर्दे पर छा जाएगा। इसके अलावा जो बाकी के 18 एपिसोड होने वाले हैं उस 18 एपिसोड में शिबुया आर्क को अडेप्ट किया जाएगा। तो एक तरीके से सीजन 2 में हमें वापस से गोजो और सुकुना दोनों अपनी पावर का यूज़ करते हुए दिखेंगे, जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, खासकर तोजी फुशिगोरो के लिए, क्योंकि मुझे उसे देखना है भाई, क्योंकि भाई वो जुजुत्सु कैसन के वन ऑफ द मोस्ट बैडेस कैरेक्टर्स में से एक है, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई गोजो से बैडेस अगर कोई कैरेक्टर इस पूरी सीरीज में है तो वो और कोई नहीं तोजी फुशिगोरो भी है। सुकुना नंबर 3 पे आता होगा आई थिंक। इसके अलावा मैंने सुना है कि तोजी फुशिगोरो का लुक और जो फाइट्स वगैरह होने वाली है वो मतलब सभी फैंस को चौंका देगी, क्योंकि मेरे ख्याल से उसे कुछ ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट किया जा रहा है, पता नहीं, ऐसे मैंने कुछ सुना था, सोचा शेयर कर दूं। रही बात एपिसोड 1 की, तो अब थोड़ी एपिसोड 1 की बात कर लेते हैं, और इसमें डेफिनेटली एपिसोड 1 के स्पॉयलर्स होंगे क्योंकि मैं थोड़ी स्टोरी जो है तुम्हें बता रहा हूँ। तो एपिसोड 1 अडेप्ट करने वाला है मांगा के चैप्टर 65 एंड 66 को, और इसकी शुरुआती गोजो के पास्ट से होगी, जहाँ पर उराहिमे और मेईमे एक मेंशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए जाती हैं, और उन्हें जाए काफ़ी वक्त भी हो जाता है लेकिन उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो ख़त्म नहीं होती। और तभी हमारे गोजो प्रभु वहाँ पधारते हैं, और पधारते ही उराहिमे की बेइज्जती करने लग जाते हैं कि वो कितनी वीक है वगैरह वगैरह। उराहिमे बहुत गुस्सा होती है और वही हमेशा की तरह गोजो को कहती है कि भाई अपनी सीनियर्स की इज्जत करना सीख ले, अरे मतलब स्ट्रांग है तो क्या कुछ भी करेगा। तभी उराहिमे के पीछे से एक कर्ज निकलती है, और तभी उराहिमे को बचाते हुए गेतो प्रभु वहाँ पधारते हैं और उस कर्ज को ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद गोजो और गेतो बताते हैं कि भाई उराहिमे और मेईमे दोनों को इस मेंशन में जाए हुए 2 दिन बीत चुके हैं, और ये सुनते ही दोनों शॉक हो जाती है क्योंकि उन्हें तो लगता है कि उन्हें आए हुए बस कुछ ही वक्त हुआ है, बट बैरियर के अंदर का टाइम और बैरियर के बाहर का टाइम दोनों जो टाइम फ्लो होता है वो काफ़ी डिफरेंट है। बैरियर के बाहर जहाँ 2 दिन हो चुके हैं वहीं बैरियर के अंदर कुछ ही घंटे बीते हैं। तो बाद में ये चारों के चारों जो होते हैं प्रिंसिपल यागा के पास जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसिपल यागा इन्हें चिल्ला रहे होते हैं ऑब्वियसली। बाय द वे मैं बताना भूल गया कि गोजो और गेतो के साथ हमें शोको भी दिखने वाली है, और इन दोनों को ही प्रिंसिपल यागा जो है वो काफ़ी चिल्ला रहे होते हैं। इसके बाद वो उन्हें अपने न्यू मिशन पर भेजते हैं, और न्यू मिशन से मेरा मतलब है कि गोजो और गेतो दोनों को रक्षा करनी है, बचा कर लाना है स्टार प्लाज्मा वेसल को, मास्टर टेंगेन के स्टार प्लाज्मा वेसल को। स्टार प्लाज्मा वेसल बेसिकली अपने टेंगेन महाराज का वेसल है, यानी कि टेंगेन महाराज अपना पुराना शरीर त्याग कर नए शरीर को धारण करेंगे, और गोजो और गेतो का मिशन है कि वो मास्टर टेंगेन तक अपने स्टार प्लाज्मा वेसल को पहुंचाए। उसके बाद मास्टर टेंगेन अपना अपना देख लेंगे कि उन्हें कैसे करना है, क्या करना है, और इसी मिशन के दौरान उनका सामना होगा तोजी फुशिगोरो से, और एपिसोड 1 वहीं पर ख़त्म हो जाएगा जहाँ पर तोजी फुशिगोरो का इंट्रोडक्शन होगा। तो ऑब्वियसली एपिसोड काफ़ी अच्छा होने वाला है, लेकिन इससे भी अच्छा होने वाला है एपिसोड 2, जिसमें हमें तोजी फुशिगोरो फाइनली एक्शन में दिखेगा। बाकी जब एपिसोड 1 आएगा तो मैं उसे और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा कि एपिसोड में क्या क्या हुआ। फिलहाल मुझे जितना पता था एपिसोड 1 के बारे में और जो भी था मैंने बता दिया। आई होप तुमने वीडियो एंजॉय किया हो। अगर एंजॉय किया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर कोई न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और जुजुत्सु कैसन कंटेंट आने वाला है। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद उसके बाजू में दिख रहे बेल पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुँचती रहे। बाकी जल्दी मिलते हैं अब हम न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।